Hey guys, hit the subscribe button and also press the bell icon to never miss the update from Fashion Siyapaa. Hello and welcome back to Fashion Siyapaa. आपने बहुत लोगों से ये सुना होगा कि यार अगर तेरे को हेयर स्टाइलिंग करना है तो तेरे को मस्ट नीडेड है हेयर वैक्स या फिर हेयर स्प्रे. बिल्कुल, हमारे पास ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं लाइक जो सब यही हमें रिकमेंड करते हैं कि आप वैक्स को ही यूज़ करो. तो उससे क्या होता है कि हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, यार मार्केट में इतने सारे वैक्स है, कौन से वैक्स ले, किसकी होल्डिंग अच्छी है, लाइक मेरे बाल कैसे उस पर सेट होंगे, कैसे दिखेंगे, वॉल्यूम आएगा या नहीं आएगा. इन सब के क्वेश्चन जो भंडार हमारे सर में भरे हुए हैं, इस वीडियो का मकसद यही है कि हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके. आज हम इस वीडियो में उन प्रोडक्ट्स को लेने वाले हैं लाइक जो मार्केट की सबसे ज़्यादा सेलिंग और मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है जो कि है गैट्सबी हेयर वैक्स, राइट. एंड गैट्सबी में भी आ रहे हैं ऐसे 6 प्रोडक्ट्स, तो आपको एग्जैक्टली यूज़ करना क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे. पूरे वीडियो को अच्छी तरह देखो, उसको समझो एंड फिर डिसाइड करो कि आपको कौन सा हेयर प्रोडक्ट यूज़ करना है. So without wasting any time, let's get to our video. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, गैट्सबी में आते हैं 6 हेयर वैक्स, जिसको अगर लिस्ट डाउन करें तो उसमें है गैट्सबी वाइल्ड स्पाइकी स्टाइल, मॉक मैनिया, अर्बन इमो, मैट एंड हार्ड, मेसी स्क्रंच, ब्रिटिश मिस्टीरियस. अब इन सारे वैक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं अपने हेयर लेंथ के हिसाब से. तो अगर आपके पास है वेरी शॉर्ट हेयर या शॉर्ट हेयर, तो आप स्ट्रेट अवे जाओ मॉक मैनिया के साथ, या फिर आप जा सकते हो वाइल्ड स्पाइकी के साथ. और अगर आपके मीडियम हेयर्स है तो आप स्ट्रेट अवे जाओ अर्बन इमो के साथ, मैट एंड हार्ड के साथ एंड मेसी स्क्रंच के साथ. और अगर आपके उससे भी ज़्यादा बड़े हैं यानी आपके लॉन्ग हेयर्स है, देन आप कहीं नहीं जाते हुए स्ट्रेट अवे ब्रिटिश मिस्टीरियस वेव के साथ जाओ. तो अब बात करते हैं इनकी पावर सेटिंग की. तो हम इन्हें स्केल करेंगे एट अ स्केल ऑफ 5. तो जिसमें सबसे पहले एट 5 out of 5 को स्टैंड करा है जो कि है मॉक मैनिया, एंड दूसरा है वाइल्ड स्पाइकी. अर्बन इमो और मैट हार्ड स्टैंड करेंगे एट अ स्केल ऑफ 4, एंड मिस्टीरियस को हम सिर्फ देंगे 2, क्योंकि इसके सेटिंग सच में बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि उसकी फंक्शनिंग ही है लाइक लूज एंड फ्लो. तो इसे आप नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेटिंग के लिए नहीं बल्कि इजी फ्लो के लिए बढ़िया है. तो इस वीडियो में हमने सेलेक्ट करा है 2 हेयर वैग, जिसमें एक की है सबसे ज़्यादा होल्डिंग पावर और दूसरे वाले की लाइक डिसेंट वन. ये हमने नहीं कहा, ये हमें मार्केट ने बताया. हमने रिसर्च करने के बाद हमें ये कंक्लूजन मिला कि इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसकी डिसेंट है. तो आज हम इस वीडियो में उस फैक्ट को ब्रेक करेंगे कि एक्चुअली इसकी होल्ड गुड, बेटर या बहुत पुअर है या डिसेंट सी है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वॉश करते हैं अपने हेयर्स को और उस पर अप्लाई करते हैं वैक्स एंड देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा है. तो मैं बस यू गया और यू आया. तो हमने कर लिया अपने हेयर को वॉश, अब इसे ब्लो ड्राई करेंगे. हमारा हेयर सीरम जो कि है प्री स्टाइलर, लाइक ये मैंने अभी अभी लिया हुआ है तो इसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ. मैं इसको रिव्यू बहुत जल्दी करने वाला हूँ. ये भी अर्बन गबरू का हेयर सीरम ही है, तो लाइक यूज़ करने के बाद मैं आपको बता ही दूंगा कि इसका रिव्यू कैसा है, आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तब तक वेट कीजिए हमारे उस वीडियो का आने का जिसमें हम इसे रिव्यू करने वाले हैं. तो अब लेते हैं हेयर सीरम. सीरम का प्राइमरी काम यही होता है कि वो आपके हेयर को एक प्री स्टाइलिंग लुक दे, एंड ताकि जब आप अपने हेयर प्रोडक्ट को यूज़ करो तो आपको आपका फाइनल हेयर स्टाइल मिल जाए. तो लेते हैं अब हमारे पहले प्रोडक्ट को जो कि है गैट्सबी की स्पाइकी स्टैंड अप पावर एंड स्पाइक. तो चलो अब इसे यूज करके देखते हैं कि एक्चुअली है कैसी. लाइक गैट्सबी ने तो बताया कि ये वैक्स से बढ़िया काफ़ी क्रीम फॉर्म है, तो मैं इसे वैक्स नहीं बोलूँगा. लाइक वैक्स ऐसे नहीं होता है, ये कुछ ज़्यादा ही क्रीमी है. तो बस इतना लेना है आपको अपने पाम पे और इसे अच्छे से चार्ज अप कर लो.
गया, वी आर ऑल सेट। तो अब बात करते हैं स्केटिंग की। तो मुझे सच में विश्वास नहीं था कि ये आपको इतना अच्छा होल्ड देगा, एंड बिलीव मी गाइस, ये बहुत सच में सही अच्छे से सेट हो रहा है बाल। लाइक आपको वॉल्यूम जैसा चाहिए, इसने बरोबर उसी पे आपको स्टैंड रखा है। से आप देख सकते हो कि किस तरह से इसने मेरे बालों को होल्ड करके रखा हुआ है। लाइक मुझे इसका इतना विश्वास तो नहीं था कि गैट्सबी भी इतना अच्छा रिजल्ट दे सकता है, बट बिलीव मी गाइस, आप इस प्रोडक्ट को लो यूज़ करो एंड आपको एक अच्छी वॉल्यूम ज़रूर मिलेगी। तो जैसे मार्केट में इसका रूमर है जो कि ये होल्ड करता है सबसे ज़्यादा किसी भी हेयर प्रोडक्ट्स में, तो रियली ये रूमर नहीं, ये फैक्ट है, ये सच में होल्ड करता है। लाइक मैंने और भी कई सारे वैक्स यूज़ करे हैं एंड मुझे सच में इसका होल्ड काफ़ी अच्छा लगा, एंड सो थम्स अप गाइस इस वैक्स के लिए, इट्स रियली गुड। तो अब यूज़ करने वाले हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट को, उसके पहले अपने बालों को वॉश कर लेते हैं। तो मैं बस यू गया एंड यू आया। तो हो गया हमारा हेयर वॉश, अब इससे ब्लो ड्राई करते हैं। लेते हैं हमारे सेकेंड प्रोडक्ट को जो कि है गैट्सबी का मैट एंड हार्ड, जो आपने हमेशा कहीं ना कहीं देखा ही होगा। इसे यूज़ करना भी उतना ही सिंपल है जितना बाकी सारे हेयर वैक्स को है। बस आपको यहाँ से थोड़ा सा लेना है अपने पाम पे, लाइक इतना बस हो गया है। हिसाब से आपको आपके हेयर लेंथ पे भी डिपेंड करेगा कि आपको कितना वैक्स लेना है। मेरे केस में मेरे हेयर्स कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं तो इसलिए मैंने इतना लिया हुआ है, बट आप ट्राई करो, आप जितना कम लो उतना अच्छा है। फाइनली वी आर डन, हमारे दोनों प्रोडक्ट को हमने यूज़ कर लिया है एंड आप खुद इस चीज़ को इंस्पेक्ट करो कि आपको किस में सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिख रहा है मेरे बालों पे। लाइक ये जो मेरे हेयर स्ट्रक्चर्स है ये काफ़ी अच्छे तक सेट हो चुके हैं, लाइक जैसे मुझे चाहिए वैसा ऐसा ही मिल रहा है। इसको इतना होल्ड तो है नहीं, लेकिन बस यही है कि इसमें जो हेयर स्टाइल है जैसा आपको चाहिए उस तरह का वॉल्यूम आपको मिलता है ऐसे कंपेरेटिवली आपको वाइल्ड स्पाइकी से। सो अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो तो ये भी कुछ बुरी प्रोडक्ट नहीं, ये भी बहुत अच्छा है। बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लाइक उसको भी एक बार यूज़ करके देख लो कि आपको एक्चुअली रिजल्ट कैसा मिल रहा है। तो ये बालों को इसने सेट तो कर रखा है बट लाइक एक सेटिस्फैक्शन नहीं है। सो स्पेशली ये स्मार्ट एंड हार्ड को इसलिए बनाया गया कि जिसके थिन हेयर्स है वो इसे लेके अपने बालों को आर्टिफिशियली थिक बना सके। तो बस मैट एंड हार्ड उसी के लिए है जिसके थिन हेयर्स है। तो अगर आपके भी थिन हेयर्स है तो आप स्टेट पर जाके उसे लो यूज़ करो एंड उसका रिजल्ट खुद अपने आप पे देखो। तो इन दोनों प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद अगर हम अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो अगर आपको होल्ड चाहिए तो आप इसको यूज़ करो। ये लाइक ये लूज़ भी रहता है और आपको होल्ड भी अच्छा देता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो जाता है वो। एंड इससे मैंने ये फील करा कि ये थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड हो जाता है, लाइक आपको इसको इसके ये यूज़ करने के बाद आप रिस्टाइल नहीं कर पाओगे। इसको यूज़ करके आप रिस्टाइल कर पाओगे एंड इसमें जो शाइन है वो सच में बहुत अच्छी है एंड इसमें शाइन बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ही आर्टिफिशियल सा साउंड करता है अपने बालों पे। एंड इसकी अपीयरेंस की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा अपीयरेंस आपके हेयर्स को देता है। तो अगर इन दोनों प्रोडक्ट को यूज़ करना है तो फिर लाइक मैं इस प्रोडक्ट के साथ काफ़ी सेटिस्फाई हूँ एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो आप खुद इसे यूज़ करो और हमें बताओ कि आपको इन दोनों में से कौन सी प्रोडक्ट अच्छी लगी। तब तक के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाइल्ड स्पाइकी यूज़ करके देखो, ये सच में अच्छी है। लाइक मैंने इसे पहले यूज़ नहीं करा था जबकि मैं इसे बहुत पहले से यूज़ कर रहा हूँ, तो जो इसका रिजल्ट आया वो काफ़ी एक्सीलेंट है और इम्प्रेसिव है काफ़ी, और जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत अच्छी है। तो गो विद दिस प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो, एंड ये भी बुरी नहीं है। लाइक अगर आपके शॉर्ट हेयर्स है थिन हेयर्स है तो आप स्ट्रेट अवे इस प्रोडक्ट के साथ जाओ। ये थिन हेयर्स वालों के लिए नहीं है, इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, इससे आपको हेयर स्टाइल नहीं मिलेगा, आपको वॉल्यूम तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इससे। अगर आपके थिन हेयर्स है तो आपको वॉल्यूम सिर्फ ये दे सकता है। तो अगर आपको ये परचेस करना है तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके उसे परचेस कर सकते हो। एंड बस इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दैन ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं ताकि आप एक अच्छे प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर सको, उसे चूज़ कर सको और अपने हेयर स्टाइल पा सको जैसा आप चाहते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में सून।